ट्रांसलेशन करने के रूल्स क्या हैं, पूरा लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हिंदी में राहुल ने अपनी कार धोई या टीचर टॉट हिज स्टूडेंट, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में देखिए ई आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव है, जी अफर्मेटिव। फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये सबसे मेन रूल है कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है। हिंदी में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मिलेगा, वर्ब लास्ट में मिलेगा और ऑब्जेक्ट सेंटर में मिलेगा। तो सब्जेक्ट लगाइए राहुल, सेकंड फॉर्म वॉश्ड, एंड ऑब्जेक्ट लगाइए हिज कार। उसी तरह ये देख रहे हैं। इंग्लिश में पता कैसे चलेगा? इंग्लिश में आप वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए। हमने वर्ब देख लिया टॉट, टॉट सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हैज हैव हैड कुछ नहीं लगा हुआ, तो सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव ये देखिए, फॉर्मेशन देखिए। अब ये मेन रूल है इंग्लिश में, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब इसके बाद मिलेगा और बाकी जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट है। ये आप अपने आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।